अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमारा इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज हम ईसा ग्रामर में मुताबकत और हरूफ का सही इस्तेमाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुताबकत किसे कहते हैं। मुताबकत के मायने मवाफिक, मुशाहबत, बराबरी और मुनासबत के हैं। कवायद जबान की रूह से फेल की अपनी फाइल और मफूल के साथ, सिफ्त की अपने मौसूफ के साथ और अलामत इजाफत की अपने मजाफ के साथ निस्बत के बदलते हुए असूलों को मुताबकत कहते हैं। आम मुशाहदे की बात है कि एक आदमी एक बात कहे तो इसकी सूरत कुछ और होती है, और इसी बात को एक से ज्यादा आदमी कहें तो इसकी सूरत कुछ और होती है। एक ही बात को मर्द के लिए एक तरह से कहते हैं और औरत के लिए दूसरी तरह। मिसाल के तौर पर, वो लड़का स्कूल में पढ़ता है, वो लड़के स्कूल में पढ़ते हैं, वो लड़की स्कूल में पढ़ती है, वो लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं, तुम स्कूल में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं स्कूल में पढ़ता हूं, हम स्कूल में पढ़ते हैं। इन तमाम फिक्रों में फेल एक ही है यानी पढ़ना, लेकिन हर फिक्रे का फाइल मुख्तलिफ है और इसी लिहाज से हर फिक्रे में फेल की शक्ल फाइल के साथ साथ बदलती गई है। फाइल वाहिद मुजक्कर है तो फेल भी सीगा वाहिद मुजक्कर में है। फाइल जमा मुजक्कर है तो फेल भी सीगा जमा मुजक्कर में है। फाइल वाहिद मोनिस है, ये कैफियत फाइल के हाजिर और मुतकलम होने की सूरत में भी है। गोया के फेल की शक्लें फाइल के साथ बदल जाती हैं। इससे मालूम हुआ कि फेल अपने फाइल के ताबे होता है। अब मंदरजा ज़ैल फिक्रे देखिए। असलम के बालों का रंग काला है, असलम के बालों की रंगत काली है, असलम के बाल काले हैं। इन तीनों फिक्रों में अगरचे एक ही बात कही गई है, मगर हम देखते हैं कि हर एक इसम के साथ इसकी सिफ्त में तब्दीली आ गई है। पहले फिक्रे में इसम यानी मौसूफ रंग है जो वाहिद मुजक्कर है, चुनाचे इसकी सिफ्त भी वाहिद मुजक्कर काला आई है। दूसरे फिक्रे में मौसूफ रंगत वाहिद मोनिस है, इसलिए इसकी सिफ्त भी वाहिद मोनिस काली आई है। तीसरे फिक्रे में मौसूफ बाल जमा मुजक्कर है, इसलिए इसकी सिफ्त भी जमा मुजक्कर काले आई है। इससे मालूम हुआ कि सिफ्त भी अपने मौसूफ के ताबे होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर फेल अपने फाइल के मुताबिक आता है और हर सिफ्त अपने मौसूफ के मुताबिक आती है। दूसरे अल्फाज में, हर फेल अपने फाइल के साथ और हर सिफ्त अपने मौसूफ के साथ मुताबकत रखती है। इस लिहाज से मुताबकत की तारीफ ये होगी, फाइल के साथ फेल या मौसूफ के साथ सिफ्त की बदलती शक्लों के कायदे को मुताबकत कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मुताबकत के जो असूल जवाबित हैं, जो उसके कायदे हैं, वो कौन कौन से हैं।
अब कायदा नंबर एक, फेल की फाइल के साथ मुताबकत। अगर फाइल मुजक्कर हो तो फेल भी मुजक्कर आएगा, मिसाल के तौर पर शुएब आया। अब इसमें शुएब मुजक्कर फाइल और आया मुजक्कर फेल है। इसकी मिसाल नंबर दो देखिए, अहमद कामयाब हो गया। अब इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है, अहमद मुजक्कर फाइल और हो गया मुजक्कर फेल। मिसाल नंबर तीन, उमेर घर जाएगा। अब इसमें उमेर मुजक्कर फाइल और जाएगा मुजक्कर फेल है। मिसाल नंबर चार देखिए, किसान खेत में काम कर रहा है। इसकी वजाहत कुछ यूं है, किसान मुजक्कर फाइल और कर रहा मुजक्कर फेल। इसी तरह अगर फाइल मोनिस हो तो फेल भी मोनिस आएगा। मिसाल नंबर एक, जाहिदा आई। इसकी वजाहत कुछ यूं है, जाहिदा मोनिस, फाइल आई मुजक्कर फाइल। इसी तरह मिसाल नंबर दो देखिए, बुशरा स्कूल जाएगी। अब इस जुमले में बुशरा मोनिस फाइल और जाएगी मोनिस फेल। मिसाल नंबर तीन देखिए, अमारा खेल रही थी। इस जुमले में अमारा मोनिस फाइल और खेल रही मोनिस फेल। कायदा नंबर दो देखिए, अगर फाइल वाहिद हो तो फेल भी वाहिद आएगा। मिसाल के तौर पर बच्चा आया। इसमें बच्चा वाहिद फेल आया, सॉरी बच्चा वाहिद फाइल आया वाहिद फेल। इसी तरह अगर फाइल जमा हो तो फेल भी जमा आएगा। मिसाल के तौर पर बच्चे आए। इस जुमले में बच्चे जमा फाइल, आए जमा फेल। मिसाल नंबर दो देखिए, लड़कियां आईं। इस जुमले में लड़कियां जमा फाइल, आईं जमा फेल। मिसाल नंबर तीन देखिए, लड़के खेल रहे हैं। इस जुमले में लड़के जमा फाइल और खेल रहे जमा फेल। एक और मिसाल देखिए, बच्चे खाना खा रहे हैं। इस जुमले में बच्चे जमा फाइल और खा रहे जमा फेल। मुताबकत का कायदा नंबर तीन देखिए, जुमले में हम जिन्स फाइल एक से ज्यादा आए तो फेल वाहिद और फाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। मिसाल नंबर एक, ऐसी बातों से कम हिम्मती और बुजदली पैदा होती है। इस जुमले में कम हिम्मती, बुजदली, मोनिस हमजिन्स फाइल, पैदा होती वाहिद फेल। मिसाल नंबर दो देखिए, ज्यादा बोलने से रोब और वकार जाता रहता है। इस जुमले में रोब वकार मुजक्कर हमजिन्स फाइल, जाता रहता वाहिद फेल। कायदा नंबर चार देखिए, फाइल दो हो, एक मुजक्कर और दूसरा मोनिस, तो फेल जमा आएगा। मिसाल के तौर पर इल्म और नेक चलनी इंसान का वकार बढ़ा देते हैं। इसकी वजाहत कुछ यूं है, इल्म मुजक्कर फाइल, नेक चलनी मोनिस फाइल, बढ़ा देते फेल जमा। कायदा नंबर पांच देखिए, मुख्तलिफ जिन्स के दो या दो से ज्यादा फाइल जमा में आ जाएं तो फेल
आखिरी फाइल की जिंस के मुताबिक आएगा। मिसाल के तौर पर, आदमी के दो कान, दो आंखें और एक मुंह होता है। इस जुमले में कान, आंखें, मुंह, फाइल और होता फेल वाहिद मुजक्कर है। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, आदमी के दो कान, एक मुंह और दो आंखें होती हैं। इस जुमले में कान, मुंह, आंखें, फाइल होती हैं जमा मोनिस। उम्मीद है तालिबात आज आपको समझ आ गई होगी कि मुताबकत किसे कहते हैं और हमने इसके पांच कायदे जो डिस्कस किए हैं, जो असूल जवाबित हैं मुताबकत के, उनमें से हमने पांच आज पढ़े हैं। वो पांच आप जो है इसको अच्छी तरह घर में जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, किस तरह इन कायदों के मुताबिक जो है जुमले आपने बनाने हैं। मजीद इसके जो असूल हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हरूफ को भी पढ़ेंगे और किस तरह आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मुताबकत और हरूफ के असूलों को पेशे नजर रखते हुए आपने जुमलों को दुरुस्त करना है। अपने घर पर रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सामाजिक फासले का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपना कीमती वक्त जाया मत कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।